विशेष संवाद कट्ट्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. आजच्या संवाद कट्ट्यामध्ये आपल्याकडे खास पाहुणे आलेले आहेत आणि ते म्हणजे शुभम गुप्ता. त्र्यंबकेश्वरची अतिक्रमण मोहीम इतकी धाडसी मोहीम त्र्यंबकेश्वर सारख्या शहरात हाती घेणारे आणि ती नेटाने पार पाडणारे असे हे IAS अधिकारी. तुम्हाला दिसतच आहेत अतिशय यंग प्रोफेशनल आणि नुकतंच रुजू होत आहेत ते या सर्व्हिसमध्ये. त्र्यंबकेश्वरला पोस्टिंग मिळाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या कार्याची एक झळक आपल्याला दाखवली आहे. आज देशदूतच्या कार्यालयात ते उपस्थित आहेत आणि आपल्या सर्वांशी ते एक संवाद साधणार आहेत. सर, वी वेलकम यू टू देशदूत. धन्यवाद. सर, जैसे हमने की आज छापी दिया आहे, आज आपण त्यांची मुलाखत देशदूतच्या अंकात छापलेलीच आहे, त्याच्यात आपण म्हटलेलं आहे की त्यांनी IAS का केलं आणि कसं केलं. सर, जस्ट हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे कि आप IAS क्यों बने और आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए पर आप पहले पास भी हुए थे और फिर भी आपने अटेम्प्ट्स किए. जी, तो IAS मैं इसलिए बना क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी क्योंकि बिजनेसमैन है तो उनका ब्यूरोक्रेट से कभी कभार नाता पड़ता रहता था. तो अनफॉर्चुनेटली उनका जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था. एक बार उन्हें किसी ब्यूरोक्रेट ने सुबह बुलाया और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उनसे मुलाकात नहीं की. वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में जब घर पे आए उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ तुम बड़ा होकर कलेक्टर बने और अच्छा कलेक्टर बने जो लोगों के लिए सेवा करो. तब तक मैं इतना सा था, आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड्स, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे कलेक्टर बनते हैं, होता क्या है. तो आई हैड नो आइडिया. फिर जब 10वीं पास हुआ तो मेरे मार्क्स जब ठीक आए तो एवरीबडी सब ने मुझे पुश किया कि तुम साइंस ले लो. लेकिन मुझे इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे साइंस के फील्ड में कुछ भी नहीं जाना था. तो मैंने बहुत पुश किया तो मुझे पूछा गया कि तुम्हें साइंस नहीं लेना था, तुम्हें जीवन में करना क्या, क्योंकि सब तो इंजीनियर ही बनते हैं जो नंबर आते हैं जिनके भी. तो फिर मैंने कहा, बहुत सोचा, तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो मैं UPSC कर लूँ एंड एट सम पॉइंट मैं UPSC ट्राई करूँगा. तो मुझे लगता है कि वो जो रुझान था UPSC की तरफ वो कहीं ना कहीं उस वजह से था कि मैंने मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में जो कहा था तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो बात थी और उस वजह से मैंने उस तरफ अपना रुझान किया. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. फिर मैं कॉलेज पहुँचा दिल्ली में, तो कॉलेज दिल्ली में आपको पता है कि पढ़ाई कम होती है और बातें ज़्यादा होती हैं. तो मैं भी उसी तरह था, तो बातें ज़्यादा होती थी. लेकिन फिर थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाई शुरू की. फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, फेल हो गया. सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो उससे 66 रैंक आई. उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स मिला तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था और मेरे घर वाले भी सेटिस्फाइड नहीं थे. हमें सबको लगता था कि मैं और कर सकता हूँ. फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया, मैं फिर फेल हो गया. तो बहुत ही दुख हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा शायद. अब मतलब पास होने के बाद फेल हो गया तो शायद मेरे लिए इतना ही बना है तो और नहीं करूँगा. फिर कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को फिर समझाया और सोचा कि चलो एक आखिरी कोशिश और करते हैं. तो वो कोशिश की गई और अपॉर्चुनेटली ट्रेनिंग के दौरान करीब समय भी कम होता था लेकिन शायद मेरे सितारे बुलंद थे उस समय. तो मुझे फिर फाइनली 6th रैंक. सितारे बुलंद थे या इरादे बुलंद थे? मैं तो सितारे ही बोलूँगा, वो इरादे आप बोल सकते हैं. तो फिर मुझे फाइनली 6th रैंक आई तो मैं आज आपके सामने बैठा. इस पूरे स्टोरी में सर आप जो बता रहे हैं कुछ चीजें जो सामने आती है, एक तो जैसे आपने कहा कि रुझान जो आपके पिताजी ने आपको बताया गया था कि आप भी यही बनना है, कहीं आप वो सपना लेके चल रहे थे. फिर आपने कहा कि आप बार बार कोशिश करते रहे तो कहीं पे आपकी एक जिद थी कि मुझे हासिल करना है. तो आपके सामने गोल भी आपको दिख रहा था और आपके एफर्ट्स भी इतने बढ़ रहे थे. तो ये सब करते हुए फिलॉसफी ऑफ लाइफ देखिए बड़ी सिंपल है. मुझे लगता है कि और मैंने चुनी नहीं है फिलॉसफी. मुझे लगता है कि मैंने जीवन में जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, आपके जानकारी के लिए बताऊँ, मैं आई स्टार्टेड वर्किंग में जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मैं काम करना शुरू कर चुका था. अपने पिताजी की मदद कर रहा था, मैं एक शॉप चलाता था. तो मुझे लगता है कि मेरी फिलॉसफी चुनी हुई नहीं है, मेरी फिलॉसफी सीखी हुई है. तो वो जो फिलॉसफी है वो बाय ग्रोथ जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वो बदलती भी गई. आज अगर मैं अपनी फिलॉसफी बताऊं तो मेरी फिलॉसफी जो आप कह भी रही हैं कि आपने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, आपने कभी हार नहीं मानी, उसका बड़ा सिंपल से मैंने सीखा है और शायद आपने आज के उसमें मेरी वो बात छापी भी है. मैं कहता हूं कि एक इंग्लिश में कहावत है कि एक जो बॉक्सर होता है वो तब हारता है जब वो गिरता है, तब वो नहीं हारता है, लेकिन जब उठने से मना कर देता है तब उसकी एक्चुअल हार होती है. तो माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वो कि आप कभी हार मत मानिए. जो आप उसको दिल और जान से चाहते हैं, जो एक मूवी का डायलॉग भी है कि जिस चीज़ को शाहरुख खान का डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं उसको शिद्दत से चाहते हैं उसको मिलाने में पूरी कायनात आपका साथ देती है. तो वैसा ही कुछ है कि मुझे एक्चुअली लगता है कि जिद से ज़्यादा ये मेरा डिटर्मिनेशन है
और उसको अगर आप हार्डवर्क के साथ मिला देंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल करें। बिल्कुल सर, बहुत खूब कहा आपने कि इट्स द डिटर्मिनेशन, और ये हर हर एक प्रोफेशन में है, चाहे UPSC में हो आप जैसा कोई अधिकारी बनना चाहो या कोई दूसरा प्रोफेशन चूज करना चाहो, तो सभी के लिए ये लागू होता है। अगर हम देखें इंडिया की तरफ, नाउ यू आर एन ऑफिसर इन द इंडियन सर्विसेज, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो एक ब्रिटिशर्स की तरफ से आया, और हिस्ट्री आप लोग UPSC करते करते बहुत पढ़ते भी हैं, तो ये सारे मॉडल को देखते हुए और अभी आप जो फेस कर रहे हो, आप एक्चुअल फील्ड पे काम कर रहे हो, आई नो आपका एक्सपीरियंस अभी बहुत यंग है और आपको आगे आगे भी बहुत जाना है, पर फिर भी अगर हिस्ट्री को आप देखते हैं तो सारे ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज की तरफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खास करके अगर आप देखेंगे तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही ज़्यादा पीपल फ्रेंडली नहीं है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको पीपल फ्रेंडली बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका फ़ायदा ये कि पीपल फ्रेंडली होने से अगर आपके सामने लोग आते हैं, आपसे बात करने लगते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ही आसान बना देते हैं। अगर आप काम करने में इच्छुक हैं तो एनी पर्सन, एनी एडमिनिस्ट्रेटर हु वांट्स कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ बदलाव लाऊँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका लोगों से इंटरेक्शन हो, ताकि लोग उन्हें बताएं कि हमें ये चाहिए। एक इंसान या तो डिसाइड करे कि मुझे ये करना है, या फिर 1,00,000 लोग मुझे बताएं कि हमें ये चाहिए, तो जो उनको चाहिए वो देना ज़्यादा अच्छा है जिसके बजाय कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ये देना। तो इसके लिए हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि द प्रॉब्लम इसकी अभी तक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही फ्यूडलिस्टिक है, बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक है, कि ऑफिसर्स को लगता है कि हमने जो डिसाइड किया वही सही है, हमें किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, वी नो इट ऑल। ऐसा नहीं है। आजकल आप जैसे कि देखेंगे, और मैंने लाइफ आप ऑल्दो लाइक यू सेड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, लेकिन कम में भी मुझे इतना समझ में ज़रूर आ गया है कि जितना मैं लोगों से बात करता हूँ, जितना मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जितना मैं फील्ड पे जाता हूँ, उतना ही सेटिस्फेक्शन मेरे लिए भी बढ़ता है और उतना ही काम मैं लोगों के लिए भी कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि बाई डिफरेंट मीन्स, और आजकल फॉर्चुनेटली अगर आप किसी भी अफसर को देखेंगे तो हो सकता है कि सबसे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि काम बहुत है, इतना समय नहीं मिल पा रहा है आपको और भी देखना है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा एक बून बन गया है कि आप टेक्नोलॉजिकल फीडबैक्स लीजिए, आप लोगों के पास न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचिए। फॉर्चुनेटली एंड आई ऑनेस्टली बिलीव इट, मुझे लगता है महाराष्ट्र की मीडिया बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पॉजिटिव है, फॉर्चुनेटली कि बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को पहुँचाती है। अभी तक मेरे बारे में मुझे नहीं लगता कुछ भी खराब लिखा है, बट तो उसके बारे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप मीडिया के माध्यम से, अपने खुद के टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुँचें, उनका फीडबैक लें, उनकी प्रॉब्लम सुने, और उस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पीपल फ्रेंडली बनाएं, उसकी उनकी जिस भी तरह से उनकी, उनके लिए ही तो हम काम कर रहे हैं, तो उनके तरह जो काम हम उनकी इच्छा काम कर पाएँ उससे अच्छा कुछ नहीं। करेक्ट है आप जो कह रहे हैं कि इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, आई एग्री विद यू। आप बार बार ये कहते हैं और आज के आपके इंटरव्यू में भी आपने कहा कि आपको सोसाइटी को सर्व करना है, आप आए ये फील्ड पे इसलिए हो कि आप किसी के काम आ सके, पर जब आप पब्लिक के साथ काम करते हो, जनता के साथ काम करते हो, इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, यू आर वॉकिंग ऑन अ बेड ऑफ रोजेस, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट होता है, डेली होता है। मतलब आप देखिए, जैसे आज ही मैं एक, मुझे लगता है मैं पर्सनली मीडिएशन में बहुत बिलीव करता हूँ, कोर्ट केसेस में नहीं, बट अगर मुझे कोई भी ऐसा लगता है कि कोई विषय है जिसको मुझे मीडिएट करके मैं दोनों साइड्स को समझा सकता हूँ, तो दैट इज़ द बेस्ट वे, बेस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस, ये मुझे लगता है पर्सनली। तो आज ही मैं किसी विषय के बारे में बात कर रहा था, एक तरफ आदिवासी थे, एक तरफ कोई बिजनेस मैन था, तो इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इन दिस पर्टिकुलर केस जो आज मैं था, उसमें मुझे पता था कि शायद अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस मैन था वो सही बात कर रहा है, और आदिवासी अनफॉर्चुनेटली गलत बात कर रहे हैं। तो लाइक यू सेड, द लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस वुड से कि आप आदिवासी की तरफ जाइए, और सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ हिस्सा आज की सोसाइटी में तो वही है, तो दैट शुड बी द पॉपुलर ओपिनियन कि आप आदिवासी की तरफ बात करिए। लेकिन लाइक यू सेड, आई हैव टू बी प्रिपेयर टू से व्हाट इज नॉट पॉपुलर, तो जस्टिस ऑल्सो सेज दैट समटाइम्स यू हैव टू गो अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, बट जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उसको बिल्कुल अच्छे तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है, तो उसके बहुत सारे फॉलो बैक्स भी हैं, इसके लिए खुद को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। बिल्कुल मंगा, आई मीन आपको शुरुआत में, मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ कुछ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के साथ कुछ कुछ इधर उधर मेरे कुछ दिक्कतें रहेंगी इन द लास्ट 9 मंथ्स, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था,
जब मेरे साथ पहली बार हुआ तो मैं मतलब सच बताऊँ तो मैं बहुत ऐसे ऐसे शिवर भी कर रहा था उस समय, क्योंकि मेरे दिल तो बहुत नया है, मैंने कभी इस तरह मेरे पूरे परिवार में कोई सर्विस करता ही नहीं, तो आई हैव नेवर सीन दिस, तो मेरे लिए बहुत नया था। तो ये दिस इज ऑल लाइक यू सेड लर्निंग है, तो जैसे जैसे मेरे साथ होता गया मैं सीखता गया एंड आई एम नाउ प्रिपेयर्ड, ठीक है अब रोज होता है मेरे साथ अपनी बात नहीं। सर 9 months में एक बहुत छोटा पर आपके हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा पीरियड हुआ है कि जहाँ पे लर्निंग लाइक यू सर बहुत सारा लर्निंग हुआ है। आई एम श्योर आपने आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए होंगे, सो व्हिच आर दोस व्हिच डिफाइन यू एज अ लीडर? लेकिन मुझे लगता है एज अ लीडर एज अ कुछ क्वालिटीज जो मुझ में है, मुझे लगता है कि आई एम समबडी जो हु लिसंस टू द पीपल आल्सो एंड माय स्टाफ आल्सो। एक समय था जैसे मैं बिल्कुल आज लाइक सेट जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लगता था कि मैं भी उसी उन्हीं लोगों में से निकल के आया था, तो मुझे लगता था कि नहीं सरकारी आदमी तो काम नहीं करता, तो जो आदमी बोल रहा है जो सामने वाला इंसान आके मुझे बोल रहा है वो सब सही है और मेरे आदमी बिल्कुल गलत है। वो थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हुआ। आई वॉज नॉट ए गुड लीडर बैक देन बिकॉज मैं मेरे जो स्टाफ था उनको लगता था कि सर से तो कुछ बोल के फायदा ही नहीं, बट जब मैं धीरे धीरे सीखा चीज़ों को, जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी बार अदर साइड इज ऑल्सो रॉन्ग, या फिर दोनों की साइड सही है लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने जब ये बातें सुनना शुरू किया तो आई एम ए गुड लिसनर, आई अप्रिशिएट माई स्टाफ व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर द वर्क इज डन एंड आई लीड बाय एग्जांपल। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं 10 बजे ऑफिस में आप लोग आने चाहिए 9:45 बजे तो मैं 9:30 बजे ऑफिस में होता हूँ, और अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आप 6:15 बजे के बाद ही ऑफिस से जाएंगे तो मैं 6:30 बजे ही जाता हूँ, तो ये मेरा रूल है। तो आई ट्राई टू लीड बाई एग्जाम्पल, कहीं भी मुझे फील्ड पर जाना है तो मैं सबसे आगे होता हूँ, मुझे सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर ऐसा मुझे समझ में आता नहीं है। तो आई थिंक लीडरशिप बाय एग्जाम्पल इज द बिगेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑफिसर and I try to imbibe that every single day. So very nice. Sir, आपने त्रंबक जैसे नासिक के एक बहुत ही strategic, very crucial kind of a place में आपने काम किया और आपने हाथ में हथौड़ा भी लिया जो कि त्रंबक में बहुत ही मुश्किल चीज है, तो ये जब आपने लिया तो generally like this is one example but wherever you go आप क्या लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग लीगैलिटीज एंड रूल्स? देखिए लोगों को बहुत हद तक लीगैलिटीज क्या है पता नहीं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनके आसपास के जो लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा पता है वो उन्हें मिसगाइड भी करते हैं। तो अब मैं अगर आप त्रंबक का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने उस दिन 318 अतिक्रमण निकाले थे छोटे बड़े हर तरह के, शुरुआत में जिसकी दुकान थोड़ी बहुत टूटी है जिसका टपरी टूटी उसको बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी तकलीफ हुई ऑनेस्टली क्योंकि वो बेचारे गरीब ही थे, मुझे भी दिख रहा था वो, तो क्योंकि मैंने इसलिए न्यूज़पेपर में भी एक दिन पहले दिया 2 दिन पहले ये होने वाला है आप निकाल लीजिए, जिस तरह से मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता था मैंने सब कुछ किया, बट कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो वो जैसे आप कह रहे हैं हथौड़ा लेने की ज़रूरत थी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो जब वो लिया गया उसके बाद वो पूरा दिन खत्म हुआ, 12 घंटे की हमारी जब मुहिम चली 12 घंटे जब खत्म हो गए उस दिन के बाद, तो अगले दिन गाँव के लोगों ने आके मुझे बोला कि सर बहुत अच्छा काम किया ये और बचा ये भी निकाल दिया। अच्छा, तो इट वॉज अ पॉजिटिव थिंग। तो अगर आप लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उस समय लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप बाद में जाकर लोगों का रिएक्शन देखेंगे जब उन्हें लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और फेयर काम हो रहा है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अच्छे के साथ फेयर कि आप उन्हीं के पीछे ना हो आप सभी के पीछे हो, ठीक है ये मुझे साफ करना है। अब वो किसी नेता का है तो भी बहुत अच्छी बात है और किसी आम आदमी का है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो होके रहेगा। तो अगर आप उसको उस तरह से लेके चलते हैं इफ़ यू आर फेयर इन योर जॉब तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। उस अतिक्रमण की ड्राइव को आज मैं 15 दिन हो गए, आज तक मुझे तो सिर्फ अप्रिसिएशन ही मिला है, मुझे आज तक इसने आगे नहीं बोला कि आपने गलत किया, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आता है, अगर आप लोगों को समझाते हैं प्रॉपरली कि ये रूल है प्लीज़ फॉलो दिस तो लोग उसको फॉलो करें, थोड़ा सा इनर्शिया है बट थोड़ा सा अगर आप उसको पुश कर देंगे तो लोग समझ जाएंगे। आपके हर एक जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं और जो आप दर्शकों के सामने जो आपके विचार ला रहे हैं उसमें हर कहीं ना कहीं एक वैल्यू है। आई थिंक यू कैरी अ लॉट ऑफ वैल्यू सिस्टम्स विद यू। एब्सोल्युटली मैम, मतलब मुझे लगता है वैल्यू सिस्टम्स के बिना इंसान इंसान नहीं, तो कुछ अगर किसी भी और प्रजाति से हमें कुछ अलग करता है तो हमारी वैल्यू सिस्टम ही है। और फॉर्चुनेटली आई बीन ब्लेस्ड कि मेरे माता पिता ने इस पर स्पेशल फोकस किया है हमेशा कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करो, और वो वैल्यूज़ मैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और हमेशा आई कीप चेकिंग माई सेल्फ एवरी सिंगल मोमेंट आई कीप चेकिंग। वी हैड एन ऑफिसर हु
stands out of the expectations? A young officer, 9 months into the tenure. और आप देख रहे हो कि जिस पैशन से वो बात कर रहे हैं अपनी काम का, पर्टिकुलरली जिस तरह से जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये पूरा तरीके से जानते हैं कि ये पावर उनके पास है कि लोगों के लाइफ में वो कुछ अच्छी तरह से बदलाव ला सके, इस विश्वास से जो चल रहे हैं और जिनके वैल्यू सिस्टम्स में ही है डिटर्मिनेशन, जिनके वैल्यू सिस्टम्स में गोल क्लियर दिखता है, के वैल्यू सिस्टम्स में ये है कि कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं होता कि जो आपको खत्म कर सकता है, आप उठ के वापस चल सकते हो। ये बिलीफ के साथ जो अपने करियर को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आज भी मानते हैं कि माता भगवती पिता का आशीर्वाद है जो वैल्यू सिस्टम्स है उसको लेके चलते हैं। वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर टुडे सर एंड हैव यू अवर्ड विद ऑल आवर व्यूअर्स। एंड एक अलग तरीके से हमने आज एक अधिकारी को देखा है कि जिसकी पर्सनालिटी से और जिसके काम करने की सोच से ये पता चलता है कि आप जैसे आने वाले आगे जो ऑफिसर्स हैं, we call them the young generation of officers, इनसे जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी डेफिनेटली आई एम श्योर वो लोगों के लिए बहुत ही दिलासादायक होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।